आज हम बनाएंगे घुटे हुए शलगम। इसे बनाने के लिए शलगम काट कर बॉयल कर लेंगे नमक और हल्दी डालकर। ये 2 से 3 सीटी में बॉयल हो जाते हैं। अब इसे हम घोटने की सहायता से दबाकर घोटेंगे, जिससे साग घोटते हैं, नहीं तो कड़छी से भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मैश करते हुए अच्छे से घोट लेंगे और इसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे और फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच गेहूं का आटा डालेंगे और अच्छे से फिर से चलाकर मिक्स करेंगे। शलगम हमारे घुट गए हैं। अब हम तड़का लगाएंगे। तड़के के लिए देसी घी डालेंगे 1 चम्मच। ये जब गर्म हो जाए तो इसमें अदरक को छोटा छोटा काट कर बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च डालेंगे। बारीक कटा हुआ अदरक, हल्का ब्राउन हो जाए तब इसमें 2 से 3 हरी मिर्च काट कर डालेंगे। हरी मिर्च भी हमारी भुन गई है। अब इसमें छोटा 1 चम्मच देगी मिर्च डालेंगे और मिक्स करेंगे। तड़का हमारा तैयार है। इसे हम जो शलगम घोट कर रखे थे उसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे खूब सारा हरा धनिया और फिर से मिक्स करेंगे। शलगम हमारे तैयार हैं। गर्मा गर्म रोटी पराठे के साथ, मक्की की रोटी के साथ ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आपको अगर ये शलगम की रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।